भाई दोस्तों एंट्री मिल चुकी है, बड़ा मजा आने वाला है। आज फाइनल का मुकाबला देखने वाले हैं भाई दोस्तों। पहली बार गुड़गांव बॉर्डर में रहता है, एक फरीदाबाद बॉर्डर में रहता है, लेकिन वहाँ से दोनों मिलने जा रहे रोज। हाँ तो सोचो कितना बड़ा बॉन्ड हमारे। तो पहली बार किसी स्टेडियम में घुसने वाला हूँ और पहली बार ही कोई मैच देखने वाला हूँ। ऐसा लग रहा है तब दिल्ली शहर में, आई नगर में। कैसा लग रहा है? बेहाल लग रहा है। ये लगा शॉट बॉय, क्या शॉट है यार भाई दोस्तों। इसी मूवमेंट के लिए तो मैं मैच देखने आया था, कसम से यही मूवमेंट चाहिए था। अरे हमें बुला देना कहीं जाके, हमने कहा ठीक है, पर बुलाया नहीं किसी को भी। हमारे प्लान अलग ही है दोस्तों, सॉरी। छतरी का एक तगड़ा नाम तो है, हां आप सभी को खुशी का ये छतरी नाम रखा दोस्तों, एक घुसन दे दे। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ। स्वागत है आप सभी का दिल्ली शहर में। तो आज की जो वीडियो की शुरुआत है ना, वो कर दी है हमारे क्योर सिस्टर ने और काफी धमाकेदार दोस्तों स्टार्ट की है। तो चलिए हम भी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, दिल्ली के इस खूबसूरत शहर से और आई नगर से यानी अर्जनगढ़ से। बाकी दोस्तों जो आदिति है ना, बड़ी शैतान बच्ची है, वीडियो में बिल्कुल नहीं आ रही है, इतना शर्मा रही है कि क्या ही बताऊं। बाकी इसको ना ब्लॉग का बड़ा चस्का चढ़ चुका है, बट क्या करें, बोल ही नहीं पा रही है बिचारी। और ये देखो कितनी कमजोर हो रही है। खाना पीना खाया कर थोड़ा। गाइस वो थोड़ा सा ना, हाँ? मेरे को फैशन का शौक है, तो गाइस हम अपना खाना पीना पे ध्यान थोड़ा कम। अच्छा बढ़िया बढ़िया। बाकी मिली है दोस्तों हमारी जादू से, तो जादू जी गुड मॉर्निंग। हमारा जादू है ना दोस्तों, वो बिल्कुल हमारी सिस्टरों के सामने ना इतना काला लग रहा है कि क्या ही बताऊं। बाकी जादू जी तब कैसा लग रहा है तब दिल्ली शहर में, आई नगर में? कैसा लग रहा है? बेहाल लग रहा है। अरे राम राम, चलो कोई बात नहीं, दो तीन दिन तो बिल्कुल याद आएगी, कुछ दिन बाद फिर नहीं आएगी, फिर आदत पड़ जाएगी तो फिर याद बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि ये छिमतरी है ना, तेरा नाम छिमतरी है, ठीक है? छिमतरी का एक तगड़ा नाम तो है, हां आप सभी को खुशी का ये छिमतरी नाम रखा दोस्तों, एक घुसन दे दे। छिपतरी नाम पर तगड़ा तो है, पर रखना नहीं है, नहीं तो घुसन दे दूंगी बस। चल बढ़िया है। हमारा जादू ना दोस्तों सुबह सुबह धर्म के काम करने लग गया है। तो जादू इतना धर्म कहाँ से करने लग गए हो तुम? ये दोस्तों हमारे चाचा जी से, और चाचा जी की तैयारी हो गई है ड्यूटी जाने की। बाकी जो हमारे चाचा जी ना बड़े भक्त आदमी है, तो सुबह सुबह देखो पूजा वगैरह की, बढ़िया से टीका वगैरह लग दिया है और बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आज। इतने स्मार्ट नहीं है बट आज स्मार्ट लग रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, स्मार्ट क्यों लग रहे हो इतना? और कैमरा फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ना चार टेक में ये वीडियो बन रही है। चलिए ठीक है, बाय 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 बाय। आदित्य आप क्या कहना चाहोगे फिर? कुछ ना, अरे भाई साहब ये तो गढ़वाली बोल रही है भाई। मिलिए भाई दोस्तों हमारी चाची जी से, जो कि अभी शीतल को तैयार कर रही है ना, क्योंकि शीतल जाएगी अभी जट्ठे के घर में, तो इसीलिए शीतल तैयार हो रही है, जैकेट पहन दी है, पता नहीं किस जमाने की जैकेट पहन दी है। अच्छा चलो बढ़िया है, मस्त लग रही है वैसे। मेरे भैया की वीडियो आप लगातार देखते रहिए, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी लगातार वीडियो के लिए देखते रहिए राहत लावत व्लॉग। वेलकम दोस्तों, अभी हम सारे के सारे निकल रहे हैं जट्ठा को मिलने के लिए। तो जट्ठा जो है ना हमारी, मतलब हमारी चाची जी की दीदी जी है, तो अभी उनके घर में जा रहे हैं, वो भी यहीं रहते हैं, अभी उनको मिलने जा रहे हैं। बढ़िया से चलो गाइस, आप भी चलो, बहुत मजा आएंगे, आ जाओ। फिलहाल दोस्तों ना अब दिल्ली शहर में ना थोड़ी थोड़ी सी गर्मी शुरू होने लग गई है, मतलब अभी इतनी तो नहीं हो रही है, बट अभी दिन के टाइम में थोड़ा सा धूप वगैरह मतलब बढ़ना शुरू हो चुकी है। फिलहाल ये रहा दोस्तों हमारे जट्ठा जी का घर, तो चलते हैं और मिलते हैं जट्ठा जी को। जट्ठा जी नमस्ते। हाँ जी की बोल, आज थोड़ी सी तबीयत खराब, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पानी बल ढीला है, क्या हो गया? मौसम खराब हो रखा है। तो मेहमान नहीं हो तुम, जमीन पे बैठोगे, चलो नीचे जाओ जमीन। तो भाई दोस्तों अभी ना बढ़िया से जट्ठा वगैरह को भी मिल के आ गया हूँ, शीतल दोस्तों वहीं है। बाकी ना दोस्तों शहर में आओ तो घर वालों की याद तो जरूर आती है। मेरी वॉकिंग है दोस्तों यहाँ से मेट्रो स्टेशन तक ठीक 15 मिनट की।
तेरी मुखड़ी ए तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे ए तेर कोई मुखड़ी ए तेर प्यारी मुखड़ी ए तेर कोई मुखड़ी। मिलिए दोस्तों राकेश भाई से और दोबारा फिर से हमें यहाँ मिल गए हैं। राकेश भाई फिर से मिल गए यार, आप क्या सीन है मतलब? भाई डेली मिलेंगे बिल्कुल भाई डेली मिलेंगे। एक गुड़गांव बॉर्डर में रहता है, एक फरीदाबाद बॉर्डर में रहता है, लेकिन वहाँ से दोनों मिल जाते हैं रोज। हाँ तो सोचो कितना बड़ा बॉन्ड हमारे बीच है। बाकी दोस्त भी बोल रहे हैं हमें बुला देना कहीं जाके, हमने कहा ठीक है पर बुलाया नहीं किसी को भी। हमारे प्लान अलग ही है दोस्तों, सॉरी जिनको नहीं बुला पाए हम। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी दोस्तों हम ठीक दिल्ली गेट में हैं और यहाँ देखो आज मैच देखने के ना क्या माहौल बन रखा है। इतनी सारी भीड़ यहाँ आ रही है ना, मतलब खतरनाक वाली भीड़ हो रही है आज मैच देखने के लिए। आज फाइनल का मुकाबला है ना दोस्तों दिल्ली और आरसीबी के बीच में, तो उसी के लिए ना देखो यहाँ इतनी तगड़ी भीड़ हो रही है। और दोस्तों जिस स्टेडियम में मैच है ना वो है अरुण जेटली स्टेडियम और खूब सारी भीड़ दोस्तों यहाँ मैच देखने के लिए। राकेश भाई आप भी देख रहे हो मैच, तब क्या प्लान है फिर आपका? मैच देखने वाले हो क्या? अच्छा दगदग कर रहा है। भाई दोस्तों ये वाली जो भीड़ देख रहे हो ना आप इतनी खतरनाक हो, ये सारी की सारी भीड़ ना दोस्तों मैच देखने के लिए है और बड़ा खतरनाक सा माहौल बन रखा है। 7:30 बजे से मैच है और अभी 6:30 का टाइम हो रहा है। दोस्तों यहाँ का माहौल देखो, ये रहा दोस्तों पूरा स्टेडियम आगे के लिए और यहाँ का माहौल जो है ना बड़ा तगड़ा सा हो रखा है। और यहाँ देखो ये रहा दोस्तों स्टेडियम, बड़ा गजब सा माहौल बन रखा है देखो अंदर। और दोस्तों जो आपको बिल्कुल सामने क्या दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप ग्राउंड की तरफ नहीं ले जा सकते, इस पर सारी चीज़ें बनी हुई हैं और बैन लिखी हुई है, बैन का चिन्ह बना हुआ है, बाकी आप यहां सिर्फ अपना फ़ोन ले जा सकते हो। भाई दोस्तों कुछ भी बोलो पर यहां बाहर से ना जो फीलिंग आ रही है वो कुछ नेक्स्ट लेवल वाली है, बाकी जो अंदर ग्राउंड का माहौल है ना वो तो कुछ तगड़ा ही माहौल है। भाई दोस्तों एंट्री मिल चुकी है, बड़ा मजा आने वाला है, आप आज फाइनल का मुकाबला देखने वाले हैं भाई दोस्तों पहली बार। भाई कैसा लग रहा है तब? भाई दोस्तों पहली बार किसी स्टेडियम में घुसने वाला हूँ और पहली बार ही कोई मैच देखने वाला हूँ। पहली बार अपनी लाइफ में किसी स्टेडियम में भाई, और यहाँ चल रहा है मैच आरसीबी वर्सेस दिल्ली का, तो पहली बार दोस्तों अपनी लाइफ में किसी स्टेडियम में आया हूँ। और स्टेडियम का माहौल देखो भाई दोस्तों, कच्चा खच भरा हुआ है देखो, ये देखो भाई दोस्तों मजा ही आ गया भाई। ये सेकंड बॉल है दोस्तों मैच की। ये लगा शॉट बॉय, क्या शॉट है यार। पहला मैच हासिल कर रहा और उससे पहले वो हासिल कर रहा शॉट लाइन के बाद चरा, पहला छक्का सैपाली के बल्ले से निकलता हुआ, दमदार सिक्स, मजा आ गया गाइस। यार एडवर्टाइजमेंट भी जा रहे ओवर होने के बाद। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ओवर पूरा हो रहा है एड ही नहीं आ रहे यार। रेणुका फिलहाल बॉलिंग पे है, वो गई 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 बाउंड्री के बाहर। फिलहाल फैंस होगा अपने अपने टीम के लिए चीयर अप, हम दोनों टीम में जो जीत जाए उसके टीम में उसके फैंस हैं हम। सैपाली खतरनाक खेल रही है भाई, सैपाली ऑन टॉप भाई, 15 बॉल में 32 मार दिए। ये रंगत बिना दोस्तों कुछ आने की है भाई। ओ, 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 कट है भाई, क्या क्लास है भाई, मजा आ गया। सैपाली ऑन टॉप भाई, ऑन टॉप, नजाकत भी है और शरारत भी है, पैरी भी कूट दी भाई। चार रन।
राकेश भाई सैफ अली वर्मा ऑन टॉप टाइम आउट हो गया ना, तो उसी के चक्कर में देखो अभी जो क्रीज की सफाई वगैरह क्रीज वगैरह सब चीज देख रहे हैं, ओस वगैरह गिर रही है, तो उसके लिए भी ये मशीनें चलना शुरू हो गई है। क्या सफाई की देखो भाई साहब, क्या बोल तुम्हारा है भाई। आरसीबी के फैनों में ना लहर दौड़ गई भाई। हैट्रिक बॉल, हैट्रिक बॉल। दोस्तों ये मैच चला गया पूरा पूरा आरसीबी की खेमे में, यहाँ देखो रन हो रहे हैं और 6 विकेट गिर चुके हैं, पूरा का पूरा मैच आरसीबी के हाथ में। गया फोर गया। राकेश भाई खुश, चौके लग रहे हैं, राकेश भाई खुश, दोनों भी खुश, आउट होने भी खुश, चौके में भी खुश, हम दोनों टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। 113 पे ऑल आउट। देखो भाई दोस्तों जब इनिंग ब्रेक होती है ना तो कुछ ऐसे काम किए जाते हैं, यहाँ देखो बड़े ऐसे भी क्रीज वगैरह खींचे जा रहे हैं, और साथ ही में ना जो दूसरा वाला पिच है ना उसमें दिल्ली अपनी प्रैक्टिस कर रही है, तो कुछ ऐसे सीन है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। राकेश भाई कैसी फीलिंग हो रही है? फीलिंग तो अभी सही हो रही है, लेकिन अभी घर का इंतजार है, तब सोचेंगे उसके बाद। आधा ही मैच देखना पड़ेगा भाई, निकलना पड़ेगा, आधा मैच देख के चले जाएंगे, निकल जाएंगे दोनों एक साथ। स्मृति मंडाने की बैटिंग देखेंगे उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि वो है राकेश भाई के करस है, तो उसका मैच देखना जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि उसको एमआई मिलाए जल्दी से जल्दी, ताकि मैं और ज्यादा मैच देखूं एमआई के। बिल्कुल। चलो भाई दोस्तों हो चुका है मैच स्टार्ट, और स्मृति आ गई है, साथ ही में आ गई है डिवाइन और काप यहाँ पे बॉलिंग पे, तो देखते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा, इसको देखने का मजा कुछ अलग ही आएगा। वो फील्डिंग है, फील्डिंग है, फील्डिंग के 10 नंबर। फिलहाल इन्होंने मेरी बात सुनी ली, दो चौके आ गए हैं बैक टू बैक। वो मैक्सिमम 6 रन। सुन ली भाई, सुन ली इन्होंने बात सुन ली। अब आया स्टेडियम में जोश। सुन ली दादा, ये देखो भाई दोस्तों माहौल चल गया सबका, ये है माहौल। तेरी सूरत प्यार है, प्यारी मां तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, बंदे माहौल
इसी मूवमेंट के लिए तो मैं मैच देखने आया था, कसम से यही मूवमेंट चाहिए था। वाह क्या शॉट है यार, ओ भाई फील्डिंग भाई, वाह मजा आ गया भाई। तो यार सीएसके का फैन भी आ रखा है, जबकि सीएसके की तो है ही नहीं। आउट हो गया भाई, पहला विकेट गिर गया भाई। दोस्तों जिस खिलाड़ी का इंतजार था वो खिलाड़ी फाइनली क्रीज पे, यानी पैरी क्रीज पे अब आएगा मजा, क्योंकि ये एकदम बूम बम बैट्समैन है भाई। वाह है पूरे ग्राउंड का व्यू और कुछ इस तरीके से हो रखा है, और इतनी खतरनाक यहाँ भीड़ देखो भाई, फुल ग्राउंड ना एकदम खचाखच भरा हुआ है। फिलहाल मैच चल ही रहा है। चलो भाई दोस्तों अभी हम बढ़िया से मैच देख के आ गए हैं, और मेरा फोन दोस्तों स्विच ऑफ हो गया था, इसी कारण मैं पूरा मैच आपको नहीं दिखा पाया।